everyone, this is GRV online nursing coaching portal. So today we are going to discuss about the biophysics and the topic of discussion is light. अब light क्या है? अब हम सब जानते हैं कि बिना light के कुछ भी जो visibility है वो नहीं होती, ठीक है? चाहे वो sunlight है, चाहे वो artificial source है हमारी light का, जैसे tube lights हैं, bulbs हैं, तो ये सारे क्या देते हैं? एक vision provide करते हैं, एक visibility provide करते हैं हमारे इन्वायरमेंट की, फिजिकल इन्वायरमेंट की, ठीक है? तो लाइट क्या है? एक मीडियम है, ठीक है, जो हमारा एक इंटरेक्टिव कॉन्टैक्ट बना के रखता है हमारे फिजिकल वर्ल्ड से. सो इन कॉमन लैंग्वेज लाइट क्या है? लाइट इज अ वेरी वाइटल मीडियम दैट क्रिएट a visible contact or a visual contact with the physical environment or all other aspects. तो अगर जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं हम लाइट की, तो लाइट क्या है? वेरी वाइटल, वाइटल मतलब इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है हमारा, जो क्या क्रिएट करेगा? अ विजुअल कॉन्टैक्ट विद द फिजिकल इन्वायरमेंट. जो फिजिकल इन्वायरमेंट प्रेजेंट है हमारी सराउंडिंग में, ठीक है, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो कोई बिल्डिंग्स है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी फिजिकल इन्वायरमेंट है, उसके साथ विजुअल कॉन्टैक्ट को मेंटेन करने का एक क्या है? जरिया है, ठीक है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ लाइट ही हम बाकी के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. क्लियर? एक विजुअलिटी प्रोवाइड करेगा. और ऑल अदर एस्पेक्ट मतलब हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट को छोड़ के और जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास, ठीक है, उन सबके विजुअलिटी कौन करेगा? हमें लाइट देगी, ठीक है. तो लाइट क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीडियम, जो क्या करेगा? एक विजुअल कॉन्टैक्ट को क्रिएट करने में हेल्प करेगा. नेक्स्ट आती है इसकी डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अगर हम लाइट की डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो लाइट है वो एक सेंस ऑफ विजन प्रोवाइड करेगी, ठीक है, जिसके जरिए हम बाकी के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, लाइट इज डिफाइंड एज द मीडियम विच प्रोवाइड the sensation of sight, ठीक है, जो क्या करेगी? light की sensation को provide करेगी. clear? and it acts directly on human eye in order to create a picture on retina, ठीक है, retina के ऊपर जो हमारा human eye का पार्ट है, ठीक है, retina के ऊपर एक picture create करने के लिए ये क्या करेगी? directly जो human eye है, ठीक है, या किसी भी animal की eye है, उसके ऊपर directly act करती है, ठीक है, ताकि जो photos है, जो image formation है, वो सीधी कहां पे हो? हमारे रेटिना पे. नेक्स्ट क्या है कि इसी डेफिनेशन को, इसी कंसेप्ट को डिफाइन करने के लिए कुछ थ्योरीज बनाई गई थी, ठीक है. अब उस थ्योरीज को किसके लिए यूज किया गया था? ताकि हम लाइट का जो नेचर है उसको स्टडी कर सकें. अब उस नेचर को स्टडी करने के लिए जो हमारी सबसे पहली थ्योरी थी वो थी कॉर्पस्कुलर थ्योरी. क्लियर? अब कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था? उन्होंने जो ल्यूमिनस बॉडीज हैं, ठीक है, ल्यूमिनस बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो अपनी ही लाइट को एमिट करें. क्लियर? तो उसने क्या कहा था कि जो ल्यूमिनस बॉडीज हैं उनके पास स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं लाइट के, या कॉर्पस्कल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो कॉर्पस्कल्स क्या करेंगे? डायरेक्टली हमारी आईज पे एक्ट करके जो इमेज फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको
स्टार्ट कर देते हैं, क्लियर। इस उसमें कॉर्पसल्स के बारे में बोला गया था, स्मॉलर पार्टिकल्स के बारे में बोला गया था, इसलिए इसको किसका नाम दिया गया, कॉर्पस्कुलर थ्योरी का। नेक्स्ट जो हमारी सबसे मेन थ्योरी बताई गई थी वो थी हमारी वेवलेंथ की, क्लियर। वेव्स का मतलब क्या होता है, लहरें, राइट, वेव्स। तो उसमें क्या था कि जो हमारी लाइट है उसको एक पर्टिकुलर मीडियम की जरूरत पड़ती है, क्लियर। हमारी सबसे पहले जो थ्योरी थी वो कौन सी थी, ये हम पढ़ेंगे इन द नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो नेचर ऑफ लाइट में जो हमारी सबसे पहले थ्योरी थी वो कौन सी थ्योरी है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है। वैसे जो नेम कॉर्पसल्स हैं वो हमारे लिए गए हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन से जो नाम मतलब लिया गया था वो कॉर्पसल था, ठीक है। तो ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी ल्यूमिनस बॉडीज हैं वही अपने लाइट पार्टिकल्स को एमिट करेंगी, जिनके जरिए हमारी आईज पे जो इमेज फॉर्मेशन है वो टेक प्लेस होती है। तो अकॉर्डिंग टू कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एंड सॉरी अ ल्यूमिनस बॉडी एमिट, ल्यूमिनस बॉडी वो होती है जिसके पास अपना ही जो सेंसेशन है लाइट की, लाइट पार्टिकल जो हो वो प्रेजेंट हो, ठीक है, जो खुद ही लाइट पार्टिकल्स को एमिट करे। अ ल्यूमिनस बॉडी पोजेसेस ऑफ लाइट पार्टिकल्स और कॉर्पसल्स विच एमिट देयर ऑन लाइट आर पास्ड थ्रू द आई एंड मेक द थिंग्स एंड मेक द थिंग्स विजिबल, ठीक है। फर्स्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो ल्यूमिनस बॉडीज हैं जिनके पास खुद की लाइट है उनके पास कुछ ऐसे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं या कॉर्पसल्स होते हैं जिनके पास क्या होती है, एक अपनी लाइट, ठीक है। और वही जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्टली किसके थ्रू पास होंगे, आइज के थ्रू पास होंगे, जिनके जरिए जो थिंग्स हैं, जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वह हमें क्या होगा, विजिबल, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये मीडियम है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगी, जब ल्यूमिनस लाइट स्ट्राइक करेगी, ठीक है, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वो जब स्ट्राइक करेंगे तो उनमें से क्या होगा, जो रेज है लाइट की वो एमिट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। बट इसका मेन ड्रॉबैक्स क्या था कि इसने ये नहीं बताया कि अगर किसी बॉडी के कॉर्नर हैं, ठीक है, तो उस कॉर्नर से जो हमारी लाइट है वो कैसे बेंड होगी, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को इसने डिस्क्राइब नहीं किया था, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसको डिफाइन नहीं किया गया था, ठीक है। तो सबसे मेन ड्रॉबैक क्या हो गया था इसका कि अगर किसी बॉडी का कॉर्नर प्रेजेंट है तो उस कॉर्नर से जो लाइट की बेंडिंग होगी वो पॉसिबल है या नहीं है, या फिर क्या रीजन है उसका बेंडिंग होने का, क्लियर। सो दिस इज द फर्स्ट थ्योरी दैट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ लाइट, इट्स नोन एज कॉर्पस्कुलर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ ल्यूमिनस बॉडी पोजेसेस ऑफ लाइट पार्टिकल्स और कॉर्पसल्स विच एमिट देयर ओन लाइट आर पास थ्रू द आई एंड मेक द थिंग्स विजिबल टू अस। नेक्स्ट अब हमारा क्या आएगा, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी का क्या था कि जो हमारी लाइट है उसको पास होने के लिए एक पर्टिकुलर मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। अब जब प्लस वन प्लस टू में आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, ठीक है, तो उसमें मेनली हमें क्या बताया जाता है कि जो हमारा लाइट है, ठीक है, और जो साउंड वेव्स हैं उनको ट्रेवल करने के लिए एक पर्टिकुलर मीडियम की जरूरत पड़ती है, क्लियर।
कि जो लाइट वेव्स हमने बोला जाता है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट थ्रू वाटर, स्पीड ऑफ लाइट थ्रू ग्लास, या जो फ्रिक्वेंसी है साउंड ट्रैवलिंग की वो क्या है, ग्लास में क्या होगी, लाइट में क्या होगी, एयर में क्या होगी, ठीक है। तो मतलब वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि हर एक लाइट रे को पास होने के लिए एक पर्टिकुलर मीडियम की जरूरत पड़ती है, एक पर्टिकुलर वेव की जरूरत पड़ती है, क्लियर। तो नेक्स्ट हमारी सेकंड थ्योरी क्या है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है, कि लाइट की वेव थ्योरी क्या है। अब वेव्स का मतलब क्या होता है, जैसे सी वेव्स है, लेयर्स को बोलते हैं हम, ठीक है, जो लेयर्स एक बनी स्टार्ट हो जाती है, जो लहरें बनी स्टार्ट होती हैं, ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो वो हमेशा किस में ट्रेवल करेंगी, वेव्स में, ठीक है। बट ये जो वेव हैं इनको पास करने के लिए एक पर्टिकुलर मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर हो पॉसिबिलिटी है, वाटर हो सकता है, ठीक है, ग्लास हो सकता है, मतलब कोई भी लाइट है, ठीक है, वो हमेशा किस में पास होगी, इन द फॉर्म ऑफ वेव और थ्रू अ पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है, पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू और इन द फॉर्म ऑफ वेव पास होगी। फॉर एग्जाम्पल कि जब कोई सनलाइट जब अर्थ में पड़ती है, ठीक है, तो वो कितने सारे मीडियम्स को पास होती है ना, उसमें एयर आती है, हमारे एटमोस्फेरिक फैक्टर्स आते हैं, तो वो सारे फैक्टर्स क्या करेंगे, इन वेवलेंथ को, इन वेव को एक मीडियम प्रोवाइड करेंगे जिसके जरिए जो लाइट है वो सन से कहाँ पे आ सकती है, हमारी अर्थ पे, क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, ठीक है, अगर वेव थ्योरी को हमने एक्सप्लेन करना है तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट पासेस और लाइट नीड्स अ मीडियम टू पास थ्रू, लाइट नीड्स अ मीडियम टू पास थ्रू इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है, किसकी फॉर्म में आएगी, ये एक वेव की फॉर्म है, ठीक है, ये क्या है इसका पर्टिकुलर वेव फॉर्मेशन, ठीक है, एंड दिस इज द मीडियम, ठीक है, जो उसको एक पाथवे प्रोवाइड करेगा नीचे पास होने में, क्लियर। और जो इसकी एग्जांपल है वो क्या आएगी कि जैसे सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट अर्थ पे रीच होती है और वो पास करती है फ्रॉम द वेरियस मीडियम, ठीक है, और वो सनलाइट कैसे पास होगी, हमेशा, अब अगर ये सन है, ठीक है, तो वो हमेशा जो उसकी लाइट है वो थ्रू द वेव ही पास होगी, ठीक है, और रास्ते में जितने भी हमारे एटमोस्फेरिक प्रेशर है, हमारे एयर है, ठीक है, एयर में जो गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर आएगा सी लेवल में, तो वो क्या करेगा, एक मीडियम प्रोवाइड करेगा उन सारी रेज को पास होने के लिए, क्लियर। बट इसका एक मेन ड्रॉबैक क्या था कि इस थ्योरी ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया गया, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसमें क्या होगा कि जिसमें अल्ट्रा वोलेट लाइट जो है, ठीक है, जब वो मटेरियल पे पड़ेगी तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना शुरू कर देती है, क्लियर। तो इसने मेनली उस फैक्टर को एक्सप्लेन नहीं किया था। जो मेन ड्रॉबैक था इसका वो क्या था, दैट इट हैज फेल्ड टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसने ये बोल दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, बट वो हो कैसे रहा है, ठीक है, कैसे पॉसिबिलिटी है कि जब लाइट ट्रेवल करेगी, ठीक है, जब इंसिडेंट रे जो है वो रीच करेगी अपने सरफेस पे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना शुरू कर देगी, क्लियर। सो फर्स्ट वन इसका फेलियर, एक ही फेलियर इसने एक्सप्लेन किया था, मेनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
ठीक है, जो हमारी वेवलेंथ थी, अब उसने ये एक्सप्लेन कर दिया कि जो लाइट है इट नीड्स मीडियम, ठीक है, उसको मीडियम की ज़रूरत है खुद को ट्रैवल करने के लिए। उसकी जो फॉर्मेशन होगी लाइट ट्रैवलिंग की, वो किसके फॉर्म में जाएगी, हमारी वेव के फॉर्म में जाएगी। बट इसने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि जब लाइट ट्रैवल करती है, ठीक है, जब जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ठीक है, जब वो हमारे इंसिडेंट रेज के फॉर्म में आएंगी, ठीक है, इंसिडेंट प्लेन में आएंगी, तो वो क्या करती हैं कि कुछ जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एमिट करना स्टार्ट कर देंगी। बट वो किस वजह से होगा ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। क्लियर? सो इट हैज फेल्ड टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया था। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिफाइंड एज द फिनोमिनन, द फिनोमिनन इन विच अल्ट्रा वॉयलेट रेज रीच ऑन इंसिडेंट प्लेन ऑफ अ मीडियम और ऑफ अ मटीरियल एजेक्ट सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट, ठीक है, वो क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, और इसी इफेक्ट को क्या नाम दिया गया था, फोटो इलेक्ट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। अब वो ये जो हमारी वेव थ्योरी है उसने ये इफेक्ट को डिफाइन नहीं किया था, एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है, दैट्स वाई ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे बड़ा फेलियर माना गया है, किसका, हमारी वेव थ्योरी का। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब अगर हम लाइट के लॉज की बात करें, ठीक है, तो लाइट के जो लॉज हैं वो कैसे होंगे, इन द फॉर्म ऑफ थ्री फॉर्म्स, के थ्री फॉर्म्स में जाएंगे या थ्री वेव्स में वे खुद को डिफेंड करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या होगा, सबसे पहले लॉज ऑफ लाइट, ठीक है, जो लॉज ऑफ लाइट है वो मेनली खुद को क्या अकर करते हैं, तीन पार्ट्स में, ठीक है, जो मेनली एंगल, मतलब हमारी लाइट फॉर्म करेगी वो कौन सा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? अब सबसे पहले बात करते हैं हम लॉज ऑफ लाइट की, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि तीन चीजें हमारी मेन है, इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब इंसिडेंट रे कौन सी है जो एक मीडियम पे आके रुकेगी, ठीक है, जैसे मान लो ग्लास मीडियम या मिरर है, ठीक है, अब सन के थ्रू ही अगर कोई लाइट आ रही है वो सीधा स्ट्राइक करेगी मिरर को, ठीक है, तो वो कौन सी होगी, हमारी इंसिडेंट रे। क्लियर? अब यही जो इंसिडेंट रे जो स्ट्राइक करती है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, एक पैरेलल लाइन क्रिएट करना शुरू कर देती है ऑन द मिरर, ठीक है, मिरर पे क्या होगी, उसके परपेंडिकुलर लाइन बननी शुरू हो जाएगी। क्लियर? अब इंसिडेंट रे आ गई, ठीक है, स्ट्राइक होगी, तो वो परपेंडिकुलर लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी उसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस,
ठीक है, इंसिडेंट रिकॉर्ड, ये कौन सी थी जो थ्रू द सन, ठीक है, या किसी और मीडियम से, मटेरियल से, या किसी और सोर्स से कहाँ पे आके स्ट्राइक हुई है, हमारे मिरर पे, ठीक है। मिरर क्या है, एक मीडियम है, ठीक है। जब इंसिडेंट रे मिरर पे आके स्ट्राइक होगी तो वो खुद की एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना शुरू कर देती है, ठीक है। और जो एंगल इंसिडेंट रे के बिटवीन और परपेंडिकुलर लाइन के बिटवीन क्रिएट होगा, उस एंगल को किसका नाम दिया जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्लियर। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन का क्या होगा कि कुछ मीडियम्स क्या करते हैं कि अगर लाइट जो रे है अगर एमिट हो रही है, ठीक है, वो स्ट्राइक करेगी तो वो क्या करेंगे, उसको दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे, ठीक है। जाएगा वो सेम ऑपोजिट पोजीशन में जाएगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, टर्न्ड बैक, वहीं से जहां से स्ट्राइक हो रहा है वो वहां से क्या चल जाएगा, टर्न्ड बैक हो जाएगा, ठीक है, अपनी जो पोजीशन है उसको बैकवर्ड कर लेगा, लाइक दिस। क्लियर। अब जो हमारी रे टर्न्ड बैक हुई है और जो परपेंडिकुलर लाइन के बिटवीन का एंगल फॉर्मेशन है वो हमारा कौन सा जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इन दोनों की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या होगी, दोनों की इक्वल। क्लियर। ये क्या था कि जब कोई भी लाइट रे किसी भी सोर्स से आके किसी मीडियम पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है, उस लाइट रे को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और वो लाइट क्या करती है, उस मीडियम पे एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करना शुरू कर देती है, ठीक है। उसके बाद में जब लाइट स्ट्राइक करेगी तो वही जो इंसिडेंट रे है वे दोबारा से टर्न्ड बैक की पोजीशन ले लेती है, दोबारा बैक रिफ्लेक्ट कर लेती है, ठीक है। और जो एंगल फॉर्म होता है इन बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे और द परपेंडिकुलर लाइन, उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारी गई रिफ्लेक्टेड वे, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि ये जो हमारी इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, वो उसी मीडियम पे क्या हो जाएगी, अब्सॉर्ब, ठीक है, यहीं पे क्या हो जाती है, अब्सॉर्ब हो जाती है, कि वो ना ही कोई एंगल बना पाएगी रिफ्लेक्शन का ना ही रिफ्लेक्शन का। क्लियर। तो वो किस में आएगा, हमारा अब्सॉर्प्शन में। वो अब्सॉर्प्शन कहाँ होगी, जो हमारा मीडियम प्रेजेंट है उसी के स्ट्राइक पॉइंट पे जो हमारी रेज आएगी वो अब्सॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या है कि जो इंसिडेंट रे हमारे एंटर कर रही है मीडियम में, ठीक है, वो हल्का सा अपना पाथवे चेंज करके दोबारा से किस में एंटर करेगी, हमारे सेकेंड मीडियम में, ठीक है, जिसके जरिए क्या होता है कि जो थिंग्स है वो हमें विजुअल होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और जो इसके इन बिटवीन एंगल बनेगा वो किसके कांस्टेंट होगा, हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस के, ठीक है। जो एंगल फॉर्म होगा रिफ्रैक्टेड वे में और परपेंडिकुलर लाइन के इन बिटवीन, उसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस रिमेन कांस्टेंट विद द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब यही जो तीनों की तीनों रेज हैं, ठीक है, यही जो हमारी लाइट्स आएंगी ये क्या बनाएंगी, हमारे लॉज ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये कितने लॉज बनाती है, मेनली तीन लॉज बनाएंगी हमारी लाइट के, ठीक है। वो क्या होंगे, या तो जो इंसिडेंट रे है वो बैक रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है, या फिर क्या होगा, जो इंसिडेंट रे आ रही है वो मीडियम के मिड पॉइंट पे, पीक पे ही क्या हो जाएगी, ऑब्जर्व हो जाएगी। और थर्ड क्या होगा कि जो इंसिडेंट रे है वो अपना हल्का सा पाथवे चेंज करके सेकेंड मीडियम में ही एंटर करेगी और क्या बनाएगी, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर। सो द लॉज ऑफ लाइट क्या आएंगे हमारे, देयर आर थ्री मेन लॉज ऑफ लाइट, ठीक है, जिसमें जो लाइट वेव्स हैं वो
एक्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा कौन सा आया, द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मीडियम एंड टर्न्ड बैक, टर्न्ड बैक, ठीक है। या फिर क्या आएगा, द इंसिडेंट रे द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मीडियम एंड गेट ऑब्जर्व्ड, ठीक है, वो क्या बनाएगी, ऑब्जर्प्शन। या फिर थर्ड वन क्या आएगा, द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सरफेस, द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ मीडियम एंड passes through it, passes through it, वो क्या होगी, उसके जरिए पास होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्लियर। अब वो डायग्राम्स की ड्रॉ कर सकते हो साथ में, ठीक है। ये क्या है हमारा, एक मीडियम है, ठीक है, चाहे मिरर है चाहे ग्लास है, ठीक है, चाहे एयर है, ये क्या है हमारा, एक मीडियम। अब मीडियम पे क्या स्ट्राइक करेगी, हमारी इंसिडेंट रे, और जब इंसिडेंट रे स्ट्राइक की, ठीक है, तो वो क्या बनाना बना देगी साथ में, हमारी परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट कर देगी, क्लियर। अब ये जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर के साथ मिलके क्या बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, कौन बनाएगी, हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है। तो हमारे पहले प्रिंसिपल लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, जब वो मीडियम के साथ स्ट्राइक करेगी तो वो वापस क्या हो जाएगी, टर्न्ड बैक, और क्या बनाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो क्या होगा कि यही जो हमारी लाइट है वो वापस टर्न्ड बैक हो जाएगी, और टर्न्ड बैक होने की वजह से वो जो एंगल ड्रॉ करेगी वो कौन सा होगा, हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो किसके इक्वल है, हमारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। नेक्स्ट क्या था, द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मीडियम एंड गेट ऑब्जर्व्ड, ठीक है, ऑब्जर्व्ड हो जाएगी वो, ऑब्जर्प्शन हो जाएगी उसकी एंड गेट ऑब्जर्व्ड, ठीक है। और वो कहां पे जाएगी, स्ट्राइक हुई सीधा किस पे, मीडियम पे, ठीक है, और वो इसी पाथ पे ऑब्जर्व हो जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्प्शन, क्लियर। अब जो हमारा थर्ड आएगा, थर्ड लास्ट लो क्या था, द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द सर्फिस, कि इंसिडेंट रे ने क्या किया, सर्फिस को स्ट्राइक किया ऑफ मीडियम एंड पासेस थ्रू इट, और वो उसके थ्रू क्या होगी, पास होगी, इसने अपना पाथवे क्रिएट कर लिया, क्लियर। तो इसमें क्या आएगा कि जो इंसिडेंट रे है हमारी, ठीक है, जब उसने स्ट्राइक किया तो वो क्या करेगी, खुद को पास करवा लेगी थ्रू द मीडियम, ठीक है, और उसके साथ वो जो एंगल क्रिएट करेगी वो कौन सा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, वो किसके इक्वल जाएगा, कैसे कांस्टेंट होगा, टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्लियर। ये जो एंगल्स की वैल्यू है वो सेम बनेगी, कांस्टेंट एंगल्स क्रिएट होंगे, क्लियर। दीज आर द थ्री लॉज ऑफ लाइट जो किसको एक्सप्लेन करते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को, क्लियर। नेक्स्ट हमारा आ गया फीचर्स ऑफ लेंस, ठीक है, लेंस क्या है, लेंस एक वो मीडियम है, ठीक है, जो हमें विजुअलिटी में हेल्प प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जो क्या करेगा, जिसके थ्रू रेज पास होंगी, ठीक है, और वही रेज जो है अपना प्रिंसिपल फोकस पॉइंट बना के
जो इमेज फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो आगे क्या करेंगी, कंटिन्यू करेंगी। क्लियर? सो फीचर्स ऑफ लेंथ में क्या आएगा, इसका फीचर्स क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन है जो हमारे लेंस को क्रॉस करके एक पैरेलल वे में जाएंगी लाइट के। ठीक है, उसके बाद में ऑप्टिकल सेंटर होगा। ये ऑप्टिकल सेंटर कौन सा सेंटर होता है, जिसके एक इक्वल डिफरेंस क्रिएट हो बिटवीन बोथ द साइड्स ऑफ द मीडियम और बोथ द साइड्स ऑफ द लेंस। ठीक है, उसके बाद में माना क्या जाता है, प्रिंसिपल फोकस की जो रेज है वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल फोकस को, प्रिंसिपल एक्सिस को। ठीक है, और वे एक पॉइंट पे आगे स्ट्राइक करेगी, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस का नाम देते हैं, जिस पे इमेज फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होनी है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, जो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस होगा हमारे प्रिंसिपल फोकस तक, वो क्या जाएगा हमारा फोकल लेंथ। नेक्स्ट इज द लेंस। ठीक है, तो अगर लेंस की डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो ये क्या है, कोई भी कन्वेक्स लेंस हो सकता है, कनकेव लेंस हो सकता है। तो लेंस क्या है, एक मीडियम है। ठीक है, इट एज अ मीडियम थ्रू विच लाइट वेव और रेज आर पास। ठीक है, वो क्या होंगी, पास करेंगी। क्लियर? अब अगर बात करें हम लेंस के फीचर्स की, तो फीचर्स में क्या आएगा कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, इसके जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से पार्ट होंगे। नेक्स्ट आता है इसका फीचर्स। ठीक है, तो फीचर्स में जो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं वो हमारा कौन सा आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस एक पैरेलल लाइन है। ठीक है, जो इंसिडेंट रे के पैरेलल जाएगी। ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करके एक स्ट्रेट लाइन, एक पैरेलल लाइन को बनाती है। ठीक है, अगर ये हमारा लेंस है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट से पास आउट होके एक पैरेलल लाइन में क्रॉस करेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस में जो लेंस के दोनों सरफेस को क्या करेगा, इक्विडिस्टेंस। ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ये पॉइंट है हमारे, अब ये देखो, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक पॉइंट है लेंस के इन बिटवीन, सेंटर ऑफ कर्वेचर के इन बिटवीन, जो लेंस के दोनों साइड को इक्वी डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर इसकी जो हमारी इंसिडेंट रेस की स्टार्टिंग पॉइंट से जो ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है, तो राइट साइड का इसके फोकल लेंथ तक का भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर जो दोनों साइड को इक्वी डिस्टेंस में डिफरेंट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस और पॉइंट ऑफ फोकस क्या है, कि जिसमें जो रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी और एक मेन पॉइंट पे, स्पेसिफिक पॉइंट पे ये तीनों क्या करती हैं, स्ट्राइक करेंगी, और जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक करेंगी उसको हम किसका नाम देते हैं, प्रिंसिपल फोकस का, और जो इमेज फॉर्मेशन है वो हमारी उसी प्रिंसिपल फोकस के ऊपर होगी। नेक्स्ट हमारा आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या आएगा, इट इज द डिस्टेंस बेटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है इन दोनों के बिटवीन, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस, उसको किसका नाम दिया गया है, फोकल लेंथ का। सो दीज आर द फोर फीचर्स ऑफ द लेंथ। ठीक है, ऑफ द लेंथ, जिसमें सबसे पहला क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस एंड द फोकल लेंथ। क्लियर?
अब अगर इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना पड़े तो उसमें क्या आएगा हमारा, नाउ द डायग्राम ऑफ द फीचर्स, ठीक है, कौन कौन सी डायग्राम है हमारी। अब हमने फोर फीचर्स पढ़े थे, ठीक है, अब वो फीचर्स क्या है, यही वाले। अब ये क्या है, मेनली हमारा लेंस, ठीक है, जिसके जरिए क्या होगा, जो लाइट रेज हैं वो पास करेंगी और इमेज फॉर्म करेंगी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो लेंस के इन बिटवीन, लेंस के सेंटर से पास आउट करेंगी इन द पैरेलल वे, क्लियर। तो ये क्या है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या है, जो लाइट रेज पास होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ऑप्टिकल सेंटर, कि ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ये वो सेंट्रल पॉइंट है जो दोनों पार्ट को इक्वी डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा, ठीक है, और लेंस को भी। तो ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फोकस पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या थी, जो प्रिंसिपल एक्सिस और जो रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, जब वो पैरेलल जाके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्राइक करेंगी, इमेज फॉर्मेशन करेंगी, उसको किसका नाम दिया, प्रिंसिपल फोकस का, ठीक है, कि वहां पे क्या हो रहा है, जो हमारी इमेज फॉर्मेशन है वो क्रिएट होगी। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, जो यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस है ऑप्टिकल सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस का, उसको क्या नाम दिया गया है, फोकल लेंथ। क्लियर। तो ये क्या है हमारा फीचर्स ऑफ द लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ और द प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट हमारा आएगा स्ट्रक्चर ऑफ आई, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ आई इज वेरी क्लियर इन द एनाटॉमी, ठीक है, आपने एनाटॉमी पढ़ी होगी, ठीक है। तो एनाटॉमी में जो स्ट्रक्चर ऑफ आई है वो बहुत ही ज्यादा क्लियरली बताया गया है, ठीक है, एंड आई होप दैट यू ऑल हैव कवर्ड योर एनाटॉमी विद द स्ट्रक्चर ऑफ ईच एंड एवरी सिस्टम, राइट। तो आई के जो मेन सिस्टम है हम वही इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आई क्या, इट इज लाइक अ थिक कन्वेक्स लेंस, ठीक है। आई में जो इसका व्हाइटिश अपेयरेंस जो प्रोवाइड करेगा, जिसको स्क्लेरा बोलते हैं, राइट। तो स्क्लेरा के आगे भी क्या, एक ट्रांसपेरेंट हल्की सी लेयर पड़ी होती है ना, उस लेयर को हम किसका नाम देते हैं, कॉर्निया का, क्लियर। अब कॉर्निया को अगर अंदर वाली साइड में जाएं तो यहाँ वहां पे क्या होगा, एक डार्क ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं कोरॉइड। और कोरॉइड के